नमस्कार, ये है mahindraguru.com और आप देख रहे हैं महिंद्रा गुरु का एक वीडियो youtube.com पर। इस वीडियो की तरह हर वीडियो जो हमारा होता है उसमें कोशिश करते हैं कि आपको हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें, चाहे वो जनरल अवेयरनेस का हो, जीएस का हो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर कंप्यूटर्स का हो। पर अगर आपको एक अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए टूवर्ड्स ऑल द वीडियोस, तो हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट मिले किसी सब्जेक्ट के अंदर वो आपके मेल के द्वारा आपको हासिल हो सके। इसी मकसद के साथ आइए, आप सबका स्वागत है द करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com। एक ऐसी ट्रेन, एक ऐसी न्यूज की ट्रेन जो रोज चलती है महिंद्रा गुरु पर, जो आपको आपकी मुकम्मल न्यूज तक पहुंचा सके। तो आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने सेनेगल को 20 करोड़ डॉलर, जो करीब होता है 1,350 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा दी है। यह ऋण सुविधा उसे 225 किलोवाट की एक बिजली पारेषण लाइन बिछाने के लिए दी गई है। यहां पर अहम बात यह है कि कई बार सवाल आता है एग्जिम बैंक या फिर किसी संस्था के फीचर से। जैसे कि अगर मैं यहाँ सवाल की बात करूं, तो यह सवाल आ सकता है कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। विकल्प है 1980, 1981, 1982, 1983 और 1984। आप सब जानते हैं विकल्प चार बहुत फेमस एक ईयर है जब भारत ने पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता। पर यहाँ सवाल है, ध्यान दीजिएगा सर, कहीं और मत भटकिए, सवाल है कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर है विकल्प तीन, जो है 1982। यहाँ सवाल और भी बन सकते हैं, जैसे कि अगर आप खुद ही गेस करिए कि एग्जिम बैंक जब दिमाग में आता है, सवाल आता है कि इसका चेयरमैन कौन होगा, इसका मुख्यालय कहाँ होगा और एग्जिम बैंक का इतिहास क्या होगा। तो ये तीन सवाल आते हैं ऐसे सवालों में। इस सबका एक ही सलूशन है सर, और वो है KYO, नो योर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा पेज हमारे mahindraguru.com पर जिसमें प्रतिदिन हम अपलोड करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानकारी जो महत्वपूर्ण है या फिर न्यूज में है। वहां आप जाओगे तो ना सिर्फ एग्जिम बैंक बल्कि आपको अलग अलग संस्थाओं के भी जानकारी मिल सकती है। तो रिमेंबर, नो योर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। IDFC ने विशाल कपूर को EDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अब यहाँ जो सवाल है, सवाल बना अपॉइंटमेंट का, नियुक्तियों का या फिर फेमस ऑर्गेनाइजेशंस का। अब IDFC ने किया है तो IDFC एक संस्था है, सवाल बन सकता है IDFC के ऊपर, क्योंकि विशाल कपूर को उन्होंने नियुक्त किया तो सवाल किस पे बना सर, अपॉइंटमेंट पर। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये एक सैंपल क्वेश्चन भी है जिसमें आपने देखा कि सवाल जो है, निम्नलिखित में से किसे IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। विकल्प में विशाल सिंह का बहुत फेमस है क्योंकि ये इंफोसिस के बहुत के चेयरमैन है, CEO है। KP बस्सी, राकेश कुमार, विशाल कपूर और सूरत कमरा। मतलब अगर विशाल सिक्का को छोड़ दें और विशाल कपूर को छोड़ दें तो बाकी जो लोग हैं उनका संबंध वाणिज्य से या फिर IDFC से नहीं है या फिर किसी कमर्शियल वेंचर से नहीं है। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प चार, जो है विशाल कपूर। ध्यान रखिएगा कि IDFC एक संस्था भी है और उसने आज से करीब 1 से 1.5 साल पहले अपना एक वाणिज्यिक बैंक, एक कमर्शियल बैंक भी ओपन किया है जिसकी करीब 500 के ऊपर शाखाएं भी ओपन हो चुकी हैं। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, आप सब जानते हैं नमामि गंगे जो योजना है, को तेजी से लागू करने की पहल के तहत 1500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 231 परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। अगर यहाँ बात करें तो करीब 400 गांव जो गंगा किनारे बसे हुए हैं उन्हें नाम दिया जाएगा गंगा ग्राम। हर पांच गांव 400 में से एक IIT गोद लेगा, जो करीब 13 IITs हैं, और वो वहां पर तकनीकी रूप से और वित्तीय रूप से मदद करेंगे ताकि बेहतर ढंग से हम अपनी जो एक होली रिवर है, जो एक पावन नदी है गंगा, उसको साफ सुथरी कर सके। और जो सपना है नमामि गंगे का और महात्मा गांधी का कि हम एक साफ सुथरा भारत और एक साफ सुथरी गंगा देखे आने वाले 2 से 3 वर्षों के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार की मंशा और हमारी मंशा खासतौर पर इस योजना के अंतर्गत है। अगर हम नहीं बढ़ेंगे आगे तो ये गंगा भी अपनी जो एक सफाई का एक जो उसका एक बिंदु है वह भी पूरा नहीं हो पाएगा। आइए देखते हैं सवाल क्या बन सकता है यहाँ पर। नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे योजना को तेजी से लागू करने की पहल के तहत 1500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कितनी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी या शुरू की गई है। विकल्प 221, 211, 231, 241 और 251। अब देखिए, एक का खेल आ गया, 221 में भी एक, 211 में भी एक, 31 में भी एक, 41 में भी और 51 में भी। तो आपको एक बात तो दिमाग में डाल लेनी है कि जब भी सवाल
मैं पढ़ जब भी कोई न्यूज़ आप पढ़ोगे तो आपको उसकी एग्जैक्ट जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ जो उत्तर है वो है विकल्प तीन जो है 231। तो करीब 231 परियोजना जो होंगी वो शुरू की गई है नमामि गंगे के अंदर। अब नमामि गंगा एक सामाजिक सुधार स्कीम है, एक सोशल वेलफेयर स्कीम है, तो कहीं ना कहीं नमामि गंगे को भी आपको पढ़ना पड़ेगा और वो भी आपको हमारे डिजी पेज के अंदर मिल जाएगा जो mahindraguru.com पर आप पढ़ सकते हैं। आई बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोजाम्बिक जो कि एक देश है अफ्रीका का यात्रा के दौरान भारत ने मोजाम्बिक को 30 SUV जो होता है स्पेशलिटी व्हीकल्स सौंपे हैं। इन वाहनों को सौंपकर भारत ने इस अफ्रीकी देश की संस्थाओं को समर्थन प्रदान करते हुए 45 लाख अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता पूरी की है। तो मोजाम्बिक खबर में आया तो यहाँ जो सवाल बनेगा वो कुछ ऐसा बन सकता है, मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? विकल्प है एडिस अबाबा, मापूतो, ज़ाइरे, दिल्ली, ढाका। उत्तर है इसका विकल्प तो जो है मापूतो। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा कि कई बार सवाल आता है राजधानी का, कई बार आता है मुद्रा का, कई बार आता है प्राइम मिनिस्टर कौन है या प्रेसिडेंट कौन है। तो अभी हाल ही में जो मोदी जी गए हमारे चार अफ्रीकी देशों के अंदर, तो आपको जानना पड़ेगा उन देशों की करेंसी क्या है, उनकी राजधानी क्या है, और साथ ही साथ उनके बारे में और जानकारी कि उन विजिट में हुआ क्या। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि विजिट में करीब 30 SUV सौंपी गई मोजाम्बिक को, वैसे ही अफ्रीका में भी अभी कल हम देख रहे थे कि उन्होंने अपना एक भाषण दिया, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर गांधी जी जहां जिस जेल में थे, नेल्सन मंडेला जिस जेल में थे वहां ले गए, वहां लोग ले गए। तो कहीं ना कहीं सवाल बनता है न्यूज से, और अगर सवाल नरेंद्र मोदी पर नहीं बनेगा तो किस पर बनेगा भगवान जाने। आइए बढ़ते हैं आगे। यूरोप कप 2016 का फाइनल मैच फ्रांस और पुर्तगाल के बीच खेला जाएगा, फाइनल 11 जुलाई को खेला जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक सुपरमैन स्टाइल में खड़े हुए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल रोल प्ले किया पुर्तगाल को फाइनल पहुंचाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी टीमें जर्मनी है, इंग्लैंड है, इटली है, ये टीमें फाइनल नहीं पहुंची। पहुंची कौन? फ्रांस और पुर्तगाल। फ्रांस ने हराया जर्मनी को सेमीफाइनल में और पुर्तगाल ने हराया वेल्स को। वेल्स टीम के जो बहुत ही आला खिलाड़ी हैं क्रिश्चियन जो हैं बेल, गैरेथ बेल, उन्होंने भी तारीफ की रोनाल्डो की। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मौका है जो पुर्तगाल को इस बार यूरो कप जिताएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखते हैं, बहुत रोचक होगा, और देखना कब है सर, 11 जुलाई को जब फाइनल खेला जाएगा फ्रांस और पुर्तगाल के बीच। अगर यहाँ सवाल की बात करें यूरो कप 2016 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, विकल्प है सुपर विक्टर, पिंटो, कैरल, साउल और पापे। इसका उत्तर है सुपर विक्टर, जो कि हाफ लड़का है और हाफ सुपरमैन है। तो एक तरह से दिखाया गया है कि हर बच्चे में एक सुपरमैन, एक महामानव, एक ऐसा इंसान जो आगे चलकर तस्वीर बदलेगा पूरे विश्व की, वो छुपा हुआ है। तो वो उत्तर है सुपर विक्टर। यहाँ सवाल इसके अलावा क्या बन सकता है, बिल्कुल सवाल अगर नाम आए यूरो कप का तो सवाल बनेगा आगे चलकर अधिक गोल किसने किए, गोल्डन बूट मतलब गोल्डन बॉल, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट टीम, ऐसे सवाल बन सकते हैं यूरो कप से, या फिर आधिकारिक बॉल कौन सी है, आधिकारिक शुभंकर तो आप सामने है ही, आधिकारिक मोटो क्या है, इसका ऑफिशियल सॉन्ग किसने बनाया जिसका उत्तर है डेविड कुवेटा। तो कई सवाल बन सकते हैं यूरो कप से इस बार, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है SBFU वुमेन्स के लिए। आइए अगली खबर, और ये काफी एक बहुत ही प्राइड की एक सीना चौड़ा कर दिया इस लड़की ने जब इसको दिया गया यह अवार्ड। अवार्ड क्या था, अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन ने दीपा करमाकर को जिम्नास्ट डी क्लास से मॉड्यूल या वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट की उपाधि से सम्मानित किया है। ऐसा पहली बार है कि कोई महिला जिम्नास्ट या फिर कोई भारतीय जिम्नास्ट इस कैटेगरी के अंदर आई है, जिसके अंदर नादिया कुमेंसी जैसी महान जिम्नास्ट को भी रखा गया है। अगर यहाँ सवाल की बात करें, सवाल बनेगा यह, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट के गौरव सम्मानित किया जाएगा या किया गया है। उत्तर है इसका विकल्प 5 जो है दीपा करमाकर। 5 विकल्प की बात करें तो एक ही विकल्प और है जो थोड़ा फेमस है, प्रख्यात है, वो है विकल्प 4 जो ऋतु रानी, जो कि हॉकी से संबंधित है। यहाँ सवाल और बन सकता है कि दीपा करमाकर निम्नलिखित में से किस खेल के क्षेत्र से संबंधित है। विकल्प हो सकते हैं चक्का फेंक, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, तो उत्तर वहां भी क्या होगा सर, जिम्नास्टिक। तो कई बार जो सवाल आता है खिलाड़ी के ऊपर तो वो खिलाड़ी न्यूज में होता है, इसलिए शायद सवाल आता है। तो दीपा करमाकर न्यूज में है या फिर पहले रोनाल्डो भाई साहब न्यूज में थे, तो सवाल आ सकता है कि वो फुटबॉल से हैं और इससे है सर जी बिल्कुल जिम्नास्ट से हैं। आइए बढ़ते हैं अगली और आखिरी सुर्खी पर। बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय के नामों में बदलाव के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, और अब इनके नाम क्या है सर, बिल्कुल मुंबई और चेन्नई, जो इनके नाम ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, अब इनके जो उच्च न्यायालय होंगे या फिर जो हाईकोर्ट होंगे उनका नाम भी होगा मुंबई हाईकोर्ट और चेन्नई हाईकोर्ट। तो सवाल बहुत ही सरल बनेगा यहाँ पर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन दो उच्च न्यायालयों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? विकल्प आपके सामने पटना गुवाहाटी, अलाहाबाद और बिहार। बिहार एक स्टेट है कि बिहार सवाल ब्लंडर एकदम कर दिया हमने इस सवाल में कि भाई कई बार लोग फंस जाते हैं कि बिहार हाईकोर्ट होता है पर वो पटना हाईकोर्ट होगा। विकल्प तीन बॉम्बे और मद्रास, विकल्प चार इम्फाल और दिल्ली और विकल्प पांच कोझिकोड और चेन्नई। इसका उत्तर है बॉम्बे मद्रास का नाम है मुंबई और चेन्नई। इसी के साथ आज की सुर्खियां समाप्त होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो एक सेशन था जिसमें हमने कोशिश की आपको बताने की कि कैसे एक सवाल को आगे बढ़े और कैसे एक हेडलाइन को पढ़े पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और एक बात याद रखिएगा सर, सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोस लगातार मिलेंगी, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो उस सर्च करने की दिक्कत को मुश्किलात को सॉल्व करते हुए डू सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, रिमेंबर यू वॉचिंग अ वीडियो ऑफ mahindraguru.com, ये ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू।